केंद्र सरकार ने किसानों को अपने एक फैसले से बड़ी राहत दी है। किसानों को फसल की लागत का कम से कम 1.5 गुना दाम दिलाने के वादे को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। सरकार ने यह निर्णय ऐसे समय पर लिया है जबकि कृषि उपजों के दाम गिरने से किसान परेशान है और आम चुनाव 1 साल के अंदर होने वाले हैं। सरकार के इस फैसले पर हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने खुशी जताते हुए इसे सरकार की एक बड़ी जीत बताया। ओपी धनखड़ का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से किसानों को अब केवल एक बार नहीं बल्कि हर साल मुनाफा होगा। और मेरा एक रेवाड़ी की रैली का भाषण भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ, लेकिन आज वो खुशी साझा करने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए, भारत के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आभार व्यक्त करने के लिए मैंने आज आपसे विचार साझा कर रहा हूँ। और इतना आनंद और इतनी खुशी है कि जिस बात की लड़ाई लड़ी थी उसको अपने सामने क्रियान्वित होते हुए देख रहे हैं, सफल होते हुए देख रहे हैं। और मुझे मोटा मोटा अभी अंदाज कहता हूँ कि हरियाणा के किसानों को, देश भर के किसानों के लिए एक आंकड़ा आया है कि उनके खाते में 33,500 करोड़ रुपया इस अनाउंसमेंट के बाद ज़्यादा जाने वाला है। और हरियाणा के किसानों को कम से कम 1,500 करोड़ रुपया इस अनाउंसमेंट के बाद अधिक उनके खातों में जाने वाला है, उनकी जेबों में जाने वाला है, 1,500 करोड़ रुपए की खुशी। लेकिन आज मुझे आनंद यह है कि हर फसल पर यह 1,500 करोड़ का होगा। अब एक बार नहीं, बार बार अगली रबी की फसल पे भी कम से कम किसानों को इसी प्रकार का फायदा, क्योंकि एक फार्मूला आ गया है और फार्मूला इंप्लीमेंट हो गया है। मैं इस बहस में पढ़ने की बजाय कि कितना बढ़ा, उससे ज्यादा खुशी मुझे यह है कि फार्मूला अडॉप्ट हो गया। अब हर बार सरकार को फार्मूले से चलना पड़ेगा, CACP को फार्मूले के हिसाब से फसलों के दाम अनाउंस करने पड़ेंगे। किसी भी फसल का MSP अब 50% से कम नहीं होगा। ये खुशी की बात है कि हर फसल के लिए अब इसी फार्मूले को अडॉप्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बार का नहीं, ये लगातार हर बार का फायदा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है।